हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मी किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल। ये मिक्स दाल है, इसमें हमने चने की दाल और मूंग मसूर सब की मिक्स दाल बनाई है। तो इसके लिए मैंने एक टमाटर कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च कट कर ली है, एक प्याज कट कर लिया है। तो चलिए गैस पर रख देते हैं कुकर। कुकर में डाल दिया है ऑयल, ऑयल हमने सरसों का यूज़ किया है। तो आज हम दाल के अंदर कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है और जीरा डाल दिया है और ये हमने हींग डाल दी है, क्योंकि दाल में हींग डालना बहुत अच्छे ही होता है और हींग से बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो खड़ा मसाला था वो तैयार हो चुका है और अब इसमें डाल देते हैं हमने प्याज। प्याज को भी हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे और टमाटर, हरी मिर्ची, हम सब चीज़ों को एक साथ ही डाल देंगे और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये मिक्स दाल है और ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर मिक्स करने के बाद में जैसे देखिए, हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च अच्छे से भून कर रेडी हो चुकी हैं। अब बनाते हैं मसाला। तो फ्रेंड्स, मसाला हम गीला बनाएंगे तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 नमक स्वाद के अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच सॉरी। और इन चीज़ों में थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी और मसाले को अच्छा सा भिगो देते हैं और मसाला हमारा भीग कर तैयार हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि जो हमारा वो मसाला है वो भी तैयार हो चुका है, भुन कर रेडी हो चुका है। तो अब इस गीले मसाले को हम उस भुने हुए प्याज और टमाटर, हरी मिर्चों के अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छा सा पका लेंगे। देखिए, इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छा सा पका लेते हैं। जब तक ये पकेगा हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। दाल बनाएंगे तो उसके अंदर लहसुन की आवश्यकता ज़रूर होगी। तो लहसुन की कलियों को मैंने पीस लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मसाला हमारा भून कर रेडी हो चुका है और एकदम प्यारा कलर आ चुका है मसाले का। अब इसमें हम डालेंगे दाल। तो ये देखिए दाल, ये है मूंग मसूर और चने की दाल, और मूंग साबुत भी, छिलके वाली भी है, और मूंग धुली हुई भी है, और मसूर भी है, और चने की भी है। 4 मिक्स दाल है ये, और मिक्स दाल बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मिक्स दाल हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करके इसमें कुकर की विसल लगाएंगे। तो इसमें हमें कम से कम 4 या 5 विसल लगाएंगे। तो देखिए, कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। विसल लग चुकी है, दाल हमारी बन चुकी है। फ्रेंड्स, दाल अगर आपको ज़्यादा पतली अच्छी लगती है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को ऐसी दाल ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर मेरे चैनल में जो नई हो, चैनल को जो बेल आइकन बटन से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले कि दाल हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये ऊपर से हमारी जो सूखी मेथी आती है, पान मेथी, वो मेथी डाल रहे हैं, कसूरी मेथी। तो मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ लक्ष्मी किचन। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।